पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन की ओर से आयोजित अखंड रामायण पाठ विश्राम के बाद हवन किया गया। पंडित वीरेंद्र जोशी और संतोष ने हवन कराया। दिल्ली से आए पंडित अशोक ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति की। इसके बाद पूनम गुलाटी और सिमी कपूर ने भी भजन सुनाए। आरती और विशाल भंडारा आयोजित कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। सुधांशु जी महाराज ने मोबाइल द्वारा सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को दीक्षा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये बड़े आनंद का विषय है कि आज सब लोगों को दीक्षा के लिए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक पीढ़ी का कार्यकाल 25 वर्ष का माना जाता है, तो आपकी एक पीढ़ी का समय पूरा बीता है। ये जीवन के रूपांतरण के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की देह मिलती है और मनुष्य की देह में किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का आगमन हो और वो सत्संगी हो जाए तो उसके बाद कुछ विशेष परिवर्तन चाहिए। आज हमारा दिव्य लोक आश्रम पर हमें सुधांशु जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुवर हैं, हमने 25 साल पहले सन 1999 में 23 फरवरी को आज ही के दिन उनसे दीक्षा प्रदान की थी गुरुवर ने हमें। सबसे पहले प्रथम बार गुरुवर का आगमन तभी हुआ था 1999 में। हम सब लोगों ने प्रथम बार उनसे दीक्षा ली थी। उसके 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने इस बार दीक्षा पर्व अधिक जोर शोर से मनाया है। उसमें हमने पहले दिन से रामायण का रामचरितमानस का पाठ रखा, जिसका कल सुबह 10 बजे प्रारंभ हो गया था आरती पूजा के उपरांत। रात भर अखंड रामायण का पाठ रहा, सुबह 10 बजे पाठ समापन हुआ। तत्पश्चात भजन रहे, बधाइयाँ रहीं, होली का प्रोग्राम रहा और सभी ने गुरु के लिए प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए विभिन्न विभिन्न प्रकार के भजन यहाँ पर गाए। तत्पश्चात यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया। हवन में मुख्य यजमान यहाँ पे काफ़ी लोग बनकर बैठे रहे और हमारे सभी दीक्षार्थियों ने 25 साल पूरे होने के अवसर पर 25-25 दीपक अपने घर से लाकर वो भी यहाँ पर दिवाली के उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाए जलाए, जिसके लिए हम सभी अपने दीक्षार्थी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी ने यहाँ पर बहुत आनंद लिया और तत्पश्चात आरती हुई। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आज गुरु दीक्षा का कार्यक्रम था। ये हम हर वर्ष 23 फरवरी को मनाते हैं। 99 में जब महाराज जी मुरादाबाद आए थे तब महाराज जी ने 23 फरवरी को गुरु दीक्षा दी थी। जब से है वो श्रद्धालु जो गुरु जी से निमित्त हैं वो 23 फरवरी को गुरु दीक्षा का कार्यक्रम मनाते हैं, जो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सबसे बड़ी बात ये रही, गुरु जी ये कह रहे थे कि जैसे 25 को तुम सिल्वर जुबली का कार्यक्रम मना रहे हो तो इसमें कुछ अच्छा करो। तो आज उसके लिए प्रयास किया गया कि ये जो हमारा टीन शेड पड़ा हुआ है ये तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी जो है इसका रिमूवल करने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों ने बहुत मोटी धनराशि देने का वायदा करा हुआ है। ये धनराशि आएगी तो निश्चित रूप से इसका प्रारूप बदला जाएगा और महाराज जी भी बहुत जल्दी मुरादाबाद आएंगे। धन्यवाद, हरिओम। और पूरे गुरु दीक्षितों का मैं दबे बहुत ही जोर शोर में आदर सत्कार करता हूं और उनको बहुत बहुत महाराज जी तरफ साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।